वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन और हम आज डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर जिसका नाम है इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। अब तक हम पिछले तीन चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, तीन स्टडी नोट, और धीरे धीरे ही बढ़ेंगे। देखो बहुत जल्दी मैं अभी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था, इसलिए ऐसा मैं सोचना कि डेली चैप्टर आ रहा है, लेकिन मैं नाम डाल रहा हूँ डे वन, डे टू, डे थ्री, डे फोर, डे फाइव। तो जब ये पूरी सीरीज़ कम्प्लीट हो जाएगी तो आप चाहो तो डेली एक एक पेज भी पढ़ोगे, अगर एक एक वीडियो भी सुनोगे अगर आप, तो आपकी रिवीजन अच्छी हो जाएगी, जितने भी दिनों में हमारा ये सिलेबस मैक्सिमम ख़त्म हो पाएगा। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। इस चैप्टर में क्या करना है हमको, इस टॉपिक में समझना ये है कि ऐसी बहुत सारी इनकम होती हैं जो कि हमारे लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट होती हैं, उस पर हमें टैक्स नहीं देना पड़ता, और बहुत सारी ऐसी इनकम होती हैं जो हमारी पार्टली एग्जेम्प्ट होती हैं और पार्टली टैक्सेबल होती हैं। तो पहले मैं दूसरी वाली की बात करता हूँ, जो पार्टली एग्जेम्प्ट और पार्टली टैक्सेबल होती है, ये अलग अलग हेड्स ऑफ इनकम में आप कवर करोगे। जैसे सैलरी में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो कि अप टू अ लिमिट एग्जेम्प्ट होते हैं, उसके बाद टैक्सेबल होते हैं। कैपिटल गेन में पढ़ोगे कितना टैक्सेबल कितना एग्जेम्प्ट, हाउस प्रॉपर्टी में कितना एग्जेम्प्ट कितना टैक्सेबल। तो हर एक टॉपिक में ना यू विल फाइंड सम पार्टली एग्जेम्प्शन एंड पार्टली टैक्सेबल। तो एग्जामिनेशन के टाइम पे अगर आपको पार्टली एग्जेम्प्शन के बारे में लिखना हो ना, तो जो हम चैप्टर कवर कर रहे हैं उन चैप्टर्स के अंदर में जो पार्ट आएगा, हालांकि जो मेरी नीचे प्लेलिस्ट गिवन है उस प्लेलिस्ट में अगर आप चेक करोगे इन सैलरी, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी सारे चैप्टर देखोगे, तो इनमें मैंने बताया हुआ है कि कितना एग्जेम्प्शन होता है कितना टैक्सेबल है। तो वो जो एग्जेम्प्शन वाला पार्ट है ना कि दिस इज़ नॉट टैक्सेबल, वो आप इस चैप्टर में रेफर कर सकते हो, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। हाँ, अगर आप फंसते कहाँ पर हो, अगर आप CA CS कर रहे हो, आपको MCQs आते हैं, तो MCQs के टाइम पे आपको ये चैप्टर थोड़ा ब्रॉडली पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आपको थोड़ा नॉलेज ज़्यादा चाहिए। तो उसके बारे में मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको समझाऊँगा कि ये क्यों है ये क्यों है, तो जैसे हमने बात कर रखी है वी आर गोइंग टू जस्ट रीड इट। तो लेट्स स्टार्ट। स्टडी नोट नंबर 4, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। ये कहते हैं सेक्शन 10 एनलिस्ट द वेरियस इनकम विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स दैट इज डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ द SSC। दीज आर नंबर 1, ये हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था एग्रीकल्चरल इनकम, उसमें क्लियरली लिखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर की इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लिखा जाएगा, नहीं दिया जाएगा। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है तो भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमने कुछ स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके देख लिया था कितना टैक्स हम उस पर लगा सकते हैं। मेंबर्स शेयर, और इसमें देखो जो जो हम पढ़ लेते हैं ना किसी चैप्टर के अंदर, तो उसमें वो लिखता है बकायदा कि रेफर चैप्टर एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर क्या क्या एग्जेम्प्ट होगा वो वहां से पता चलेगा, और क्यों एग्जेम्प्ट होगा वहां से पता चलेगा। मेंबर शेयर इन इनकम ऑफ HUF, अब HUF के अंदर एक कर्ता होता है और बाकी सारे उसके मेंबर होते हैं। अब डेफिनेटली हर मेंबर को अपना घर चलाना है, अपने खर्चे निकालने हैं, तो उनको इनकम चाहिए। तो एनी सम रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल एज ए मेंबर ऑफ HUF वेयर सच सम हैज बीन रिसीव्ड आउट ऑफ द इनकम ऑफ फैमिली, अगर पूरी इनकम में से आपको पैसा मिल रहा है तो उस इनकम पे तो टैक्स दे दिया होगा ना HUF ने। तो इनकम पे तो टैक्स HUF ने दे दिया, तो मेंबर को उसमें से पैसा मिला तो वो तो टैक्स कटने के बाद ही मिल रहा है ना, तो उसको एग्जेम्प्ट है। वेयर सच सम हैज बीन रिसीव्ड आउट ऑफ इनकम ऑफ एन इम्पार्टेबल एस्टेट बिलोंगिंग टू द फैमिली, मतलब इम्पार्टेबल एस्टेट थी हमारी, कोई एस्टेट थी, प्रॉपर्टी थी, उसमें से उसको हिस्सा मिला है, तो भी अगेन उसको थोड़ी इनकम है, उसके लिए सेपरेट इनकम नहीं है वो, तो जो कंबाइंड इनकम हुई होगी उस पर टैक्स चला गया होगा, इनको जो हिस्सा मिला है वो तो बस एक पार्ट है, तो वो एग्जेम्प्ट माना जाएगा। अब देखो शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ए फर्म, याद होगा आपको मैंने बताया था कि जब भी फर्म लिखा आएगा इट मीन्स पार्टनरशिप फर्म, तो शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द फर्म इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड ऑफ पार्टनर। टोटल इनकम पे आपके कंपनी पेमेंट पे टैक्स दे चुकी है, अब आपको जो हिस्सा मिल रहा है वो तो उसके आफ्टर टैक्स प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है। इंटरेस्ट इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट, आज की डेट में कोई NRI बन के हिंदुस्तान से बाहर चला गया है, उसने हिंदुस्तान में बॉन्ड्स में FDs में पैसा लगा रखा है और उसको इंटरेस्ट मिलता है, तो यार वो थोड़ी वो तो बोलेगा ना कि मैं अगर हिंदुस्तान में पैसा भेज रहा हूँ तो मुझे फ़ायदा तो मिले कुछ, तो वो उनको फ़ायदा ये है कि जो भी इंटरेस्ट होगा वो टैक्स फ्री होगा, लेकिन ये कंडीशन याद रखना कि उनको अपने लिए एक NRE अकाउंट खुलवाना पड़ता है इंडिया के अंदर,
अगर नॉर्मल अकाउंट खुला हुआ है तो उनका इंटरेस्ट टैक्सेबल रहता है। तो वो कहते हैं इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ सच बॉन्ड्स इज एग्जेम्प्टेड इन हैंड्स ऑफ NRI। इंटरेस्ट ऑन नॉन रेजिडेंट अकाउंट इन एनी बैंक इन इंडिया, देखो इधर ना NRE, देखो नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, इसको बोलते हैं NRE अकाउंट इन एनी बैंक इन इंडिया टू अ पर्सन हु इज रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो उसको जो भी है वो फेमा एक्ट के अंडर में, और इज अ पर्सन हु हैज बीन परमिटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मेंटेन अफोरसाइड अकाउंट, उसको भी इंटरेस्ट पे पैसे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन नोटिफाइंग सेविंग सर्टिफिकेट्स इश्यूड बिफोर 1 जून 2002। एक्चुअली नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह होते थे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन अब तो वो आते नहीं है इसलिए वो पहले के इश्यूड है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ पार्टली एग्जेम्पशन होता है, कुछ फुल्ली एग्जेम्पशन होता है, तो पार्टली वाली कहानी आती है लीव ट्रेवल कंसेशन। नीचे प्लेलिस्ट गिवन है, सैलरी का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में डाला हुआ है, वो दोबारा हम इसमें कवर करेंगे, लेकिन वहाँ तो मैंने कर रखा है एग्जामिनेशन के हिसाब से, उसमें देखोगे तो हमने कहा LTC कितना होगा, रेफर चैप्टर सैलरीज, ठीक है। रेम्यूनरेशन टू पर्सन हु इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया इन सर्टेन केसेस, फॉलोइंग रेम्यूनरेशन टू एन इंडिविजुअल हु इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी एग्जेम्प्ट। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, वेज, वो आपका रेम्यूनरेशन ऑनरेरियम, कुछ पैसा आपको मिला, डायरेक्टर फीस वगैरह। रेम्यूनरेशन रिसीव बाय हिम एज एन ऑफिशियल ऑफ एन एम्बेसी, अब भाई एम्बेसी का बंदा आया हुआ है, हाई कमीशन का बंदा आया हुआ है, लीगेशन का बंदा आया, कमीशन का बंदा आया हुआ है, कॉन्सुलेट का बंदा आया है एम्बेसी से, और द ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन स्टेट और एज अ स्टाफ ऑफ एनी दीज ऑफिशियल्स प्रोवाइडेड कॉरेस्पॉन्डिंग इंडियन ऑफिशियल्स इन दैट फॉरेन कंट्री एन्जॉय सिमिलर एग्जेम्पशन इन देयर कंट्री। तो वो तो यहाँ मिलने आया ना, एक बैठक के लिए आया था, उसको पैसा दिया आने का, तो उसके जो उसकी इनकम है वो टैक्स फ्री होगी, उसको पैसा टैक्स नहीं देना उसके ऊपर। रेम्यूनरेशन रिसीव्ड एज एन एम्प्लॉय ऑफ ए फॉरेन एंटरप्राइज फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंडिया, बाहर कंट्री में काम करता है, बाहर की कंपनी में काम करता है, इंडिया में किसी काम से आया हुआ है और यहाँ पे आके उसको सैलरी मिल रही है बाई चांस। द फॉरेन एंटरप्राइज इज नॉट एंगेज इन एनी बिजनेस इन इंडिया, पहली बात तो फॉरेन एंटरप्राइज है, इंडिया में कोई काम नहीं करती। दूसरा, हिज स्टे इन इंडिया डज नॉट एक्सीड 90 डेज, 90 दिन से ऊपर अगर रुक गया गलती से, ये तो पता है मैक्सिमम कंट्रीज में रूल है, अगर आप किसी और कंट्री में जाकर 90 दिन से ऊपर रुक जाते हो तो वहाँ की कंट्री में आपको टैक्स देना पड़ता है, तो ये रूल दूसरे पे भी एप्लीकेबल है इंडिया में अगर आते हैं तो। सच रेम्यूनरेशन इज नॉट लायबल टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम ऑफ द एम्प्लॉयर अंडर दिस एक्ट, तो TDS वगैरह नहीं कटेगा। रेम्यूनरेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन कनेक्शन विद हिज एम्प्लॉयमेंट ऑन अ फॉरेन शिप, ये देखो ऐसे ऐसे क्लू याद रखोगे, छोटे छोटे याद रहेगा, फॉरेन शिप provided his total stay in India does not exceed 90 days in the previous year. अगर पिछले साल 90 दिन से ऊपर चला गया तो भैया टैक्स दे दो हिंदुस्तान में अब आप, ठीक है। Remuneration received as an employee of the government of a foreign state during his stay in India in connection with his training in an undertaking owned by government, government company, subsidiary of government company, corporation established by central government, ये सब चीजें हमारे रेम्यूनरेशन रिसीव बाय एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन स्टेट, याद रखना गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन स्टेट, इंडिया का नहीं। टैक्स पेड बाय गवर्नमेंट ऑन रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, टैक्स पेड बाय गवर्नमेंट, टैक्स पेड बाय गवर्नमेंट ऑन इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट और अ फॉरेन कंपनी, टैक्स पेड ऑन इनकम फ्रॉम लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, ठीक है। ये सब चीजें हम कैसे बताते हैं, देखो ये दोनों चीजें तो टैक्स फ्री हो गई आपकी, वो टैक्स टैक्स आपके लिए इनकम हो थोड़ी हो सकती है, अगर किसी ने आपके लिए टैक्स पे किया है, गवर्नमेंट ने टैक्स पे किया है तो आपकी इनकम नहीं है वो, तो आपके लिए टैक्सेबल भी नहीं है। टैक्स पेड बाय एन इंडियन कंपनी ऑन इनकम अराइजिंग फ्रॉम लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन स्टेट और फॉरेन एंटरप्राइज अंडर एन अप्रूव्ड एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू विद सच इंडियन कंपनी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेशंस ऑफ एयरक्राफ्ट provided such agreement was entered into between 1st April 1997, 1st April 1997 and 31st March 1999, इन दो साल के बीच में, या फिर 31 मार्च 2007 के बाद एग्रीमेंट हुआ हो तो आपको उस पर टैक्स नहीं देना। मतलब एयरक्राफ्ट कंपनीज आपके संग कॉन्ट्रैक्ट करती है और आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि आप बाहर की कंट्रीज को
सप्लाई देते हो तो आपको अपनी इनकम पे टैक्स नहीं देना, क्योंकि मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हो आप। ओनली टैक्स पेड इन सच इनकम इज एग्जेम्प्ट, हाउएवर सच इनकम इज टैक्सेबल। जो आपने टैक्स पे किया होगा, याद रखना प्लीज़, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस इनकम पे जो तीन इनकम ऊपर बताई गई है, इन पे जो टैक्स पे किया गया है सिर्फ वही एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन इनकम टैक्सेबल होती है आपकी, जो आपकी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है वो शामिल की जाती है। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज इन प्रोजेक्ट कनेक्टेड विद सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी ऑफ इंडिया मतलब जैसे सेबी वगैरह होते हैं ना, कहते हैं एनी इनकम अराइजिंग टू नोटिफाइड फॉरेन कंपनी बाय वे, हमेशा देखो नोटिफाइड फॉरेन कंपनी की बात हो रही है, इंडियन कंपनी की बात नहीं हो रही, बाय वे ऑफ रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रिसीव्ड इन परस्यूएंस ऑफ एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू विद सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन और आउटसाइड इंडिया इन प्रोजेक्ट्स कनेक्टेड विद सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, सॉरी सेबी नहीं, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया मतलब यहाँ पे हमारी देख रेख या वो एल होता है ना कि आपकी सुरक्षा के हिसाब से जो भी आपके एग्रीमेंट होंगे उसके अगेंस्ट में कोई इनकम मिलती है फॉर टेक्निकल सर्विसेज। तो अगर आपको इनकम हो रही है फॉरेन कंपनी को, इंडियन कंपनी को नहीं, तो आपको वो टैक्स नहीं देना उसके लिए, क्योंकि आप इंडिया की सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हो। अच्छा, ये सेक्शन लिखे हुए हैं, प्लीज मैं एग्जाम्स के सेक्शन नहीं पढ़ रहा, बिकॉज ये तो लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। सेक्शन 6, 10, 6C, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा, एफ ऐसे आएगा। इनकम फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडेड टू नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एनी इनकम अराइजिंग टू अ नॉन रेजिडेंट, देखो फिर से वो नॉन रेजिडेंट और टू अ फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी को नहीं, ROR को नहीं, RNOR को भी नहीं, बाय वे ऑफ रॉयल्टी फ्रॉम और फीस फ्रॉम टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन और आउटसाइड इंडिया टू नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको जो इनकम मिलेगी उसको वो टैक्सेबिलिटी नहीं काउंट होगी। अलाउंसेस और परक्विजिट्स पेड आउटसाइड इंडिया, अलाउंस क्या होते हैं सैलरी चैप्टर में क्लियर होगा, परक्विजिट भी वहां पे होता है, इतना समझ लो अलाउंस कैश मिलता है, परक्विजिट में आपको बेनिफिट मिलते हैं। एनी अलाउंस और परक्विजिट पेड आउटसाइड इंडिया बाय गवर्नमेंट टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, अब सरकारी मुलाजिम ने बाहर जाके काम किया और उसको वहीं पे पैसे मिल रहे हैं, तो यार वो वहां पे कमा के वहीं पे तो खर्च कर रहा है ना, इंडिया थोड़ी ला रहा है, तो वो वहां पे टैक्सेबल नहीं होंगे उसके लिए। तो इसीलिए हमारे जितने बड़े बड़े कंपनीज के अंदर बोलते हैं ना, हम बाहर टेक्निकल जाना है, हमको ऑन साइट जाना है, मैं अब रशिया जा रहा हूँ, मैं US जा रहा हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, मैं गल्फ जा रहा हूँ, तो वो लोग जो जाते हैं ना, तो वहां पे उनको अलाउंसेज मिलते हैं, रहने के लिए घर मिलता है, अलाउंसेज मिलते हैं डेली के हिसाब से, तो वो टैक्सेबल नहीं होते उनके, इसीलिए वहां से वो बचा के लाते हैं ताकि अपनी इनकम को घर में जाके वो टैक्स फ्री एंजॉय कर सके। रेम्यूनरेशन रिसीव बाय कोऑपरेटिव टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम विद एन एग्रीमेंट एंटर इनटू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट गवर्नमेंट का है सिर्फ। रेम्यूनरेशन रिसीव बाय नॉन रेजिडेंट कंसल्टेंट और एम्प्लॉय और फैमिली मेंबर ऑफ सच कंसल्टेंट, नॉन रेजिडेंट कंसल्टेंट, देखो हमेशा देखो कहीं पे भी इनकम ऑफ इंडियन या ROR या RNOR की बात नहीं हो रही, सिर्फ नॉन रेजिडेंट कंसल्टेंट की बात हो रही है। अब ये देखो ये जो चीजें लिखनी आ रही है ना, यह आपको चैप्टर सैलरी में कवर होंगी, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी सैलरीज में कितना एग्जेम्प्ट कितना टैक्सेबल, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन कितना एग्जेम्प्ट कितना टैक्सेबल सैलरी, लीव एनकैशमेंट सैलरी में लिखा हुआ, ये पार्टली एग्जेम्पशन वाले पार्ट है, फुल्ली टैक्सेबल नहीं, फुल पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जेम्पशन। वर्कमैन रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन निकाल दिया तो भी पैसे दोगे सैलरी से, कंपनसेशन अंडर भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट, ये बहुत पहले भोपाल गैस लीक हुआ था, डिजास्टर हुआ था बहुत बड़ा, उसके अंदर लोगों को जो कंपनसेशन मुआवजा मिला था वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री होता है, उसमें टैक्स नहीं देना उसको। कंपनसेशन फॉर एनी डिजास्टर, एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी बाय इंडिविजुअल और हिज लीगल हेयर बाय वे ऑफ कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिजास्टर, कोई भी डिजास्टर हुआ, फ्लड आपदी वगैरह आ गए, एक्सेप्ट द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल टू द एक्सटेंट सच इंडिविजुअल और लीगल हेयर हैज बीन अलाउड अ डिडक्शन, इसमें डिडक्शन मिलेगी अंडर दिस एक्ट ऑन अकाउंट ऑफ एनी लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय सच डिजास्टर। वो डिजास्टर कितनी एग्जेम्पशन डिडक्शन मिलेगी वो डिपेंड करेगा किस तरह का कंपनसेशन मिला है और जब मिलता है उस एग्रीमेंट उसके अंदर लिखा होता है नोटिफाइड,
तो इसमें स्पेसिफिकली डिसाइड नहीं किया जा सकता, यहाँ पे बता नहीं सकते हैं आपको हम कि कितना कितने परसेंट पे कब मिलेगा। भाई डिपेंड करता है लॉस किसको कितना हुआ है, उसके हिसाब से उसकी डिडक्शन अलाउ की जाती है। पेमेंट अंडर VRS, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, ये भी कहाँ पढ़ोगे, सैलरीज में। टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, कहाँ पढ़ोगे, सैलरीज में। सम रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अब आपको पता होगा लोग इंश्योरेंस कराते हैं टैक्स बचाने के लिए, तो जो आप प्रीमियम देते हो उस पे छूट, जो बाद में पैसा मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है। तो इसके अंदर लिखा है एनी सम रिसीव्ड अंडर सेक्शन 80DD, 80DA, ये डॉक्टर ऑफ फैसिलिटी। एनी सम रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, एनी सम रिसीव्ड अंडर एन इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड आफ्टर 1 अप्रैल 2012 इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द प्रीमियम पेबल फॉर एनी ऑफ द ईयर्स ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी एक्सीड 10% ऑफ द एक्चुअल कैपिटल सम इश्योर्ड। एक्चुअली क्या होता है, अब हमारे यहाँ पे बहुत चेंजेस आ गए हैं, अभी बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। वो जब बाई चांस कभी आप इंश्योरेंस वालों से बात करोगे ना, उनसे पूछना कि हमें टैक्स कितना देना पड़ेगा जी, कितना पैसा बचेगा जी, तो बताएंगे जितना सम इश्योर्ड है उसका 10% से ऊपर अगर आपका प्रीमियम जा रहा है तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ता है जब मेच्योरिटी मिलेगी। ओके, नाउ पॉइंट थ्री शैल नॉट बी अप्लाई टू एनी सम रिसीव्ड ऑन द डेथ ऑफ अ पर्सन, अगर कोई मर गया है तो उसको जो पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल नहीं होता, जिंदा रहने पे जो मिलता है उस पर टैक्स लगाया जाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है। पेमेंट फॉर स्टैचुटरी और पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये देखो पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात कर रहे हो या स्टैचुटरी की बात करते हो, कहाँ पे पढ़ेंगे हम, सैलरीज में। अगर आपको जल्दी पढ़ना है तो नीचे दी हुई प्ले लिस्ट में जाओ, उसके अंदर सैलरी पार्ट 1, 2, 3 इनको डिस्कस करोगे, आपका ये चैप्टर पार्ट क्लियर हो जाएंगे सारे। पेमेंट फॉर सुकन्या समृद्धि अकाउंट, आपको पता है कि हमारे देश में अब लड़कियों को पढ़ाने के लिए, बहुत आगे बढ़ाने के लिए हम जागरूकता करते हैं, तो उनको जो पैसा मिलता है इस अकाउंट से, सुकन्या समृद्धि अकाउंट से, वो एग्जेम्प्ट होता है। पेमेंट फॉर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, कहाँ पढ़ेंगे हम, सैलरीज। पेमेंट फॉर नेशनल पेंशन ट्रस्ट, NPS के अंदर आता है ये, नेशनल पेंशन स्कीम्स के अंदर नेशनल पेंशन ट्रस्ट है। एनी पेमेंट फ्रॉम द नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट टू एन SSC टू क्लोजर ऑफ अकाउंट और ऑन हिज ऑप्टिंग टू आउट ऑफ हिज पेंशन स्कीम रेफर टू इन सेक्शन 80CD टू द एक्सटेंट इट डज नॉट एक्सीड 40% ऑफ द टोटल अमाउंट पेबल। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है, आपने 40% से ऊपर नहीं निकाला तो कोई टेंशन नहीं है, अगर उससे ऊपर निकाल लिया एट द टाइम ऑफ सच क्लोजर और इज ऑप्टिंग आउट ऑफ द स्कीम, अगर 40% से ऊपर निकाला आपने सारा पैसा तो आपका टैक्स हो जाएगा उसके ऊपर। एनी पेमेंट फ्रॉम द नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट टू एन एम्प्लॉय अंडर द पेंशन स्कीम रेफर टू इन सेक्शन 80CD और पार्शियल विड्रॉल मेड आउट ऑफ हिज अकाउंट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाइड अंडर द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। आपको पता होगा जैसे इंश्योरेंस के अंदर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट होता है, वैसे ही हमारा पेंशन के लिए भी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट आता है। टू द एक्सटेंट इट डज नॉट एक्सीड 25% ऑफ द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय हिम। पेंशन के अंदर क्या होता है, कुछ पैसा आप दे रहे हो, कुछ पैसा होता है कि एम्प्लॉय भी देता हूँ, ठीक है, तो जो एम्प्लॉय ने दिया उसका 25% से ऊपर आप नहीं निकालोगे, अगर निकालोगे तो टैक्स हो जाएगा, कम निकालोगे तो टेंशन नहीं है। पेमेंट फ्रॉम अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड्स, कुछ कंट्रीज पेंशन चलाती है तो कुछ कंट्री कंपनीज सुपर एनुएशन फंड चलाती है, तो एनी पेमेंट फ्रॉम अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड अगर डेथ पे मिला है तो टैक्सेबल नहीं है। टू एन एम्प्लॉय इन लियू ऑफ कम्यूटेशन ऑफ एन एन्युटी ऑन हिज रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम आपने लमसम में बहुत सारा पैसा ले लिया तो भी टेंशन नहीं है। बाय वे ऑफ रिफंड ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन द डेथ ऑफ बेनिफिशियरी, बाई वे ऑफ रिफंड ऑफ कंट्रीब्यूशन टू एन एम्प्लॉय ऑन इज लीविंग द सर्विस, रिटायर हो गया, निकाल दिया, कुछ भी हो सकता है। बाई वे ऑफ ट्रांसफर टू द अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय अंडर अ पेंशन स्कीम रेफर टू 80CD एंड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इन सब केसेस में जो सुपर एनुएशन फंड से पैसा आएगा वो टैक्स फ्री होगा आपके लिए। हाउस रेंट अलाउंस सैलरी चैप्टर देखेंगे, नोटिफाइड स्पेशल अलाउंस सैलरी चैप्टर देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अब इसमें ना बहुत तरीके के क्लॉज हैं, मैं आपको बहुत डीप में लेके नहीं जाऊंगा, आप प्लीज़ इसको एक बार पढ़ना जरूर, 12 12 पॉइंट हैं इसके अंदर। इंटरेस्ट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और अदर पेमेंट,
इंटरेस्ट इन द हैंड ऑफ एन इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल फैमिली और स्पेसिफाइड कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स टैक्स फ्री, ये सब टैक्स फ्रीज है, ठीक है। टैक्स फ्री मतलब इस पर टैक्स नहीं देना आपको। इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफाइड बॉन्ड टू NRI, इंटरेस्ट ऑन एंड प्रिंसिपल रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच बॉन्ड्स वेदर ऑन द मेच्योरिटी और अदरवाइज, अदरवाइज मतलब डेथ हो गई, कुछ भी पैसे मिल सकता है या पहले तोड़वा लिया आपने। इंटरेस्ट पेएबल टू एनी बैंक इनकॉर्पोरेटेड इन द कंट्री आउटसाइड इंडिया, बाहर की कंट्री में पैसा लगाया, बाहर का बैंक ब्रांच में था तो आप थोड़ी टैक्स दोगे, बाहर वाले लोग पैसा उस पर टैक्स नहीं देंगे। इंटरेस्ट पेएबल ऑन ए लोन एडवांस्ड बाय नॉर्डिक इन्वेस्टमेंट बैंक फॉर एन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, ठीक है, ये आप लोगों का नया नाम होगा तो इसके लिए गूगल मारना, नॉर्डिक इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होता है, ठीक है। इंटरेस्ट पेएबल टू द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, देखो इंडिया की कोई बात नहीं कर रहा, जो भी इंटरेस्ट पेएबल वहाँ पे है यहाँ पे है, मतलब वर्ल्ड बैंक ने लोन लिया, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया हमने, उस पर इंटरेस्ट दिया, उसको इनकम हो रही है, तो टैक्स हम थोड़ी देंगे ना, वो देंगे। इंटरेस्ट पेएबल बाय गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटीज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हेल्ड बाय वेलफेयर कमिश्नर, भोपाल गैस विक्टिम्स एटसेट्रा, ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके, दोबारा वो नाम बता रहा है बस। इनकम फ्रॉम लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, आपकी कंपनी है और एयरक्राफ्ट को लीज करती है, एयरक्राफ्ट लीज मतलब बहुत बड़ा कनेक्शन एग्रीमेंट बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट्स। तो एनी पेमेंट मेड बाय एन इंडियन कंपनी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट टू एक्वायर एन एयरक्राफ्ट और एन एयरक्राफ्ट इंजन ऑन लीज फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट और अ फॉरेन एंटरप्राइज अंडर एन अप्रूव एग्रीमेंट, द एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी एंटर्ड इनटू, अगर ये एग्रीमेंट इन डेट्स के बीच में हुआ है या इसके बाद हुआ है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, वरना टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फॉरेन एंटरप्राइज मीन्स अ पर्सन हु इज नॉन रेजिडेंट, याद रखना ये हमेशा ये नॉन रेजिडेंट्स के ऊपर ही है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। भावुक मत हो ना, कल को मैं काम शुरू करूंगा तो मुझे बेनिफिट मिलेगा, पहली बात तो इतना बड़ा काम करने के लिए हमें बहुत सारे लिंक चाहिए और इन्वेस्टमेंट चाहिए। टैक्स पॉइंट, टैक्स पेड ऑन एन एग्रीमेंट बिटवीन दिस इज एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 866BB, ये छोड़ते हैं आगे बढ़ते हैं। याद रखना ये चैप्टर थोड़ा सा जल्दबाजी में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको सिर्फ पढ़ना है और MCQs क्लियर करने हैं, इसके अंदर स्पेसिफिकली ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज़ें नहीं आती एग्जाम में, बस पता होना चाहिए। स्कॉलरशिप सेक्शन, स्कॉलरशिप्स, बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है तो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन के लिए मिली स्कॉलरशिप, उसमें कोई टैक्स नहीं है क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा ना, स्कॉलरशिप मिली आपको, फीस के पैसे नहीं मिल रहे, आपको एजुकेशन ही मिल रही है। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ऑल्सो इंक्लूड इंसिडेंटल एक्सपेंसिस एंड ऑल्सो द एग्जेम्पशन इज इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, अगर आपको 10 लाख की स्कॉलरशिप मिली है, आपका खर्चा 8 लाख हुआ है तो अभी आपको पैसा तो मिलेगा नहीं ना, वो आपको छूट जाएगा। अब फायदा आता है हमारे देश का मंत्री बनने का, देखो दोस्तों ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हम MP MLA बन जाए, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाओ या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाओ तो आपको क्या बेनिफिट है, तो जो डेली अलाउंस मिलता है लोगों को, डेली खर्चा उठना मिलता है, तो डेली अलाउंस रिसीव्ड बाय एनी पर्सन बाय रीजन ऑफ हिज मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर और एनी कमिटी, एनी अलाउंस रिसीव्ड बाय एनी पर्सन बाय रीजन ऑफ मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस रिसीव बाय एनी पर्सन बाय रीजन ऑफ हिज मेंबरशिप और स्टेट लेजिस्लेचर, इन लोगों को कोई भी अलाउंस मिलता हो, अलाउंसेस की लिस्ट पूरी सैलरी चैप्टर में गिवन है, तो सारे के सारे अलाउंसेस इनके लिए टैक्स फ्री है, इनको कोई टैक्स देना नहीं है, ठीक है। तो बड़ी मेहनत लगती है MP MLA बनने के लिए, आपको कॉलेज लेवल से शुरू करना पड़ेगा पॉलिटिकल करियर अपना। अवार्ड एंड रिवॉर्ड्स, अब अवार्ड मिला, कैश मिला तो क्या हुआ, टैक्स फ्री, टेंशन नहीं है, लिंक किसको। एनी पेमेंट मेड वेदर इन कैश और काइंड इन परस्यूएंस ऑफ एनी अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द इन द पब्लिक इंटरेस्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या एज अ रिवॉर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट फॉर अप्रूव पर्पजेज, किसी पर्पज के लिए आपको अवार्ड मिला तो भी आपको वो टैक्स फ्री। पेंशन टू रिसीवर ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स, गैलेंट्री अवार्ड मिला आर्मी के अंदर आपको, उसको पेंशन मिलती है उसको, तो पेंशन रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल हु हैज बीन इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एंड हैज बीन अवार्डेड परम वीर चक्र और महावीर चक्र और वीर चक्र और सच अदर नोटिफाइड गैलेंट्री अवार्ड, तो इनको अगर ये अवार्ड मिले हुए हैं तीन तरह के, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ये नाम बहुत सुने हम लोगों ने, इनके बेनिफिट देख लीजिए, इनकी इनको जो पेंशन मिलेगी वो टैक्स फ्री होगी, उनको टैक्स नहीं देना उसके ऊपर। फैमिली पेंशन रिसीव बाय एनी मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ सच इंडिविजुअल, इन लोगों की डेथ के बाद इनकी फैमिली को पेंशन कंटिन्यूसली मिलती है तो उनको भी टैक्स नहीं देना। फैमिली पेंशन टू अ विडो ऑफ चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस, आपको पता ही है कि हमारे कुछ शहीद जवान होते हैं जबकि सरहद पे या
फाइट में मारे जाते हैं, तो उनकी जो विडो होती है, उनके जो बच्चे हैं, उनको जो पेंशन मिलती है आर्म फोर्सेस से, वो भी हमारी टैक्स फ्री होती है। लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, लेकिन वो कंडीशन यहाँ पे हम लिखते ही नहीं हैं, वो कंडीशन डिसाइड की जाती है बाद में जब उनको पेंशन मिलनी शुरू होती है। पैलेस ऑफ एक्स रूलर, पैलेस द एनुअल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वन पैलेस विच इज इन द ऑक्यूपेशन ऑफ एन एक्स रूलर। आपको पता है कि आज भी हमारे देश में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे राजाओं का राज बोला जाता है कि रजवाड़ों से हैं ये लोग उस राजा के परिवार से हैं। तो वो राजा के परिवार के पास तो बहुत सारे पैलेस होते हैं, तो उनमें से किसी एक पैलेस के ऊपर जो उसकी एनुअल वैल्यू निकाली जाएगी वो टैक्स फ्री हो जाएगी, लेकिन किसी एक की, सारी नहीं, अगर उसने उसके ऊपर अभी भी उसमें रहता है तो। इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी मतलब आपके जो म्यूनसिपैलिटी वगैरह होती है, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये सब चीज़ें इसके लिए एग्जेम्प्ट है। इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ कमोडिटीज सर्विसेज विद इन इट्स ओन जुरिसडिक्शन, इसके लिए एग्जेम्प्ट होती है। इनकम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, अब आपको देखो कि ये सारी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करने के लिए है, आपको फैसिलिटीज देने के लिए है, तो रिसर्च एसोसिएशन होगी तो डेवलपमेंट के लिए रिसर्च करोगे आप, ये भी हमारे लिए टैक्स फ्री होती है। हमारे लिए मतलब जो लोग इनमें पैसा लगा रहे हैं या फिर वो काम कर रहे हैं। इनकम ऑफ न्यूज़ एजेंसीज, ठीक है, तो ये कहते हैं एनी इनकम ऑफ स्पेसिफाइड न्यूज़ एजेंसी, फॉर एग्जांपल प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया सेट अप इन इंडिया सोलली फॉर कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़ शैल बी एग्जेम्प्ट प्रोवाइडेड द न्यूज़ एजेंसी अप्लाइज इट्स इनकम और एक्यूमुलेट इट फॉर एप्लीकेशन सोलली फॉर कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़। अगर आप पैसे, जो भी इनकम आ रही है उससे न्यूज़ कलेक्ट करने में और डिस्ट्रीब्यूट करने में पैसा खर्च करते हो तो इनकम आपकी एग्जेम्प्ट हो जाती है। इट डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट इट्स इनकम इन एनी मैनर टू इट्स मेंबर्स, और जो प्रॉफिट होता है वो मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो जितनी भी कंपनी, ये जो कंपनीज होती है ना, ये जितने भी अपनी गाड़ियां होती है सब कंपनी के नाम पे खरीदती है, स्कूटर, व्हीकल, माइक, ये सब चीज़ें अपने कंपनी के नाम पे खरीदती है और अपने अपने जो मेंबर उनको देती रहती है, तो एक्चुअली में तो कंपनी की है लेकिन एंजॉय मेंबर करते हैं। इनकम ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, तो लॉ, मेडिसिन, अकाउंटेंसी, इंजीनियर, अदर स्पेसिफाइड प्रोफेशंस, सच एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन अप्लाइज इट्स इनकम और एक्यूमलेट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन एंड फॉर दैट ऑब्जेक्ट ओनली, एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन इज अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपके ICAI, ICMI वगैरह होते हैं, जितने मेडिकल के एम्स वगैरह हैं सब इसमें शामिल होते हैं। रेजिमेंटल फंड, रेजिमेंट मालूम है ना, रेजिमेंट हमेशा एक वर्ड होता है जो हमेशा आर्मी के लिए यूज करते हैं। एनी इनकम रिसीव्ड बाय एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ एनी रेजिमेंटल फंड और नॉन पब्लिक फंड एस्टैब्लिश्ड बाय द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन फॉर द वेलफेयर ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट मेंबर ऑफ सच फोर्सेस, उसके अंदर जो भी इनकम होगी वो एग्जेम्प्ट होती है। अब ये सब नाम लिखे हुए हैं जिनको आप पढ़ेंगे, एम्प्लॉय वेलफेयर फंड, पेंशन फंड, डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड विलेज, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, बॉडी फॉर्म बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट, इन सब की जो भी इनकम होती है वो टैक्स फ्री होती है। ठीक है, मंदिर वगैरह खोल लो अपना एक और शुरू हो जाओ, जय जयकार लगाओ, मंदिर खोलो, कोई भी रिलीजियस स्पॉट खोलो, उसमें इनकम आएगी हमें और टैक्स फ्री हो जाएगी। इनकम ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, सार्क फंड, एसोसाई सेक्रेटरीट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटीज, सेंट्रल, मतलब इन कंपनीज की जो इनकम है, इन कंपनीज की जो इनकम है, मतलब हमारे, हम इसमें पैसे नहीं लगा रहे, इन, ये भी तो कंपनीज है ना अपने आप में, एजेंसीज हैं, इनको जो इनकम होगी, प्रॉफिट बचेगा एंड में, एक्सपेंस माइनस करके जो इनकम आएगी वो टैक्स फ्री है इनके लिए। एनी इनकम रिसीव्ड बाय एनी पर्सन, चलो कुछ हम लोगों के लिए भी आया, चलो, एनी इनकम रिसीव्ड बाय एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, तो रिलीफ फंड तो आपको पैसा मुआवजा मिल रहा है ना, आपकी हेल्प हो रही है, और दान धर्म में कोई टैक्स नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर फंड, प्राइम मिनिस्टर एड टू स्टूडेंट फंड, नेशनल फाउंडेशन, स्वच्छ भारत खोज, क्लीन गंगा फंड, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड और द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स रिलीफ फंड। अब देखो स्वच्छ भारत अभियान कितना अच्छा है हमारे देश में, और उसके लिए भी फंड निकलता है। अब आज की डेट में हमारे कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसी कंपनीज हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को बोलते हैं चलो झाड़ू लगाने जाएंगे मार्केट में, चलो वहाँ पे जाके हम सफाई करेंगे, तो भाई आपको क्या पैसा मिल रहा है उसका? अगर आपको पैसा मिल रहा है उसका तो अपने एम्प्लॉयज़ को भी बांटो, वो बेचारे क्यों झाड़ू ले ले घूमते रहते हैं। लेकिन नहीं, ये तो कोष है, उसमें से जो इनकम आएगी वो किसको मिलेगी वो तो हमें नहीं मालूम, लेकिन ठीक है आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ जी ये टैक्स फ्री होता है।
अगर मिलेगा तो, भगवान ने चाहा तो मिलेगा, ठीक है। ओके 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 छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं। कुछ है, एनी यूनिवर्सिटी अदर एजुकेशन, कोई भी यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल, इन सब की जो इनकम होती है ना, सब चीज़ें टैक्स फ्री होती हैं, एनजी उनको बोलते हैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। इनकम ऑफ ए म्यूचुअल फंड, अ म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड अंडर द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 और रेगुलेशन मेड देयर अंडर, इसमें से अगर इनकम होती है तो टैक्स फ्री। म्यूचुअल फंड सेटअप बाय पब्लिक सेक्टर बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ऑथोराइज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सब्जेक्ट टू सर्टेन नोटिफाइड कंडीशन। अगर सेबी के अंडर में म्यूचुअल फंड आया तो इनकम टैक्स फ्री होगी, लेकिन उसके अंदर कुछ लॉक इन पीरियड होता है, और अगर दूसरे में आया तो उसकी अपनी कंडीशंस होंगी जो उसके क्या बोलते हैं ना कि प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट बिफोर यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, तो वो ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ेगा, उसमें लिखा होता है। इनकम ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, ये मैं नहीं पढ़ रहा, आप पढ़ लेना। इनकम ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, ये भी आपका सिंपल सा है, रिलेटेड टू सेबी है। इनकम ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड सेटअप बाय कमोडिटी एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज मालूम है आपको, कमोडिटी होता है जो गेहूं चावल दालें ये सब कमोडिटीज में आती हैं, सिर्फ पैसा हमारा सिक्योरिटीज में जाता है। इनकम ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ऑफ डिपॉजिटरीज, ये सब चीज़ें इनकम ऑफ, इनकम ऑफ कोर सेटलमेंट गारंटी फंड, इनकम ऑफ वेंचर कैपिटल फंड, वेंचर कैपिटल कंपनी, ये सब नाम नए नए सुन रहे हो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सुन लो इन नामों को, नाम सुनोगे तो उसका पढ़ के मज़ा भी आएगा फिर बाद में। इन सब की जो इनकम, इन लोगों की इनकम, आपको इनकम नहीं, इन कंपनीज की जो इनकम है वो टैक्स फ्री होती है। नॉन बिजनेस इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड, इनकम ऑफ यूनिट होल्डर, इनकम ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इनकम ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम टू यूनिट होल्डर ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इनकम ऑफ ट्रेड यूनियंस, इनकम ऑफ स्पेसिफाइड प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। हमारे स्टेट वाइज देखो, सिक्किमीज देखो, इनकम ऑफ सिक्किमीज, फॉलोइंग इनकम ऑफ इंडिविजुअल बींग सिक्किमीज, बस सिक्किम के से आता है वो, फॉर एनी सोर्स इन द स्टेट ऑफ सिक्किम और बाई वे ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इन सिक्किम। इनकम ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, ये सब आप पढ़ेंगे तो आपको नाम समझ आएगा। मैंने फिर बोल रहा हूँ आपको, बी कॉम बी बी ए के लिए इतना इतनी हाई तो मत बचाना है इसके लिए, सी ए सी एस सी एम ए कर रहे हो तो आप इनको एक बार पढ़ लेना, आपके सी एम सी क्यूज में बड़े काम आते हैं। इनकम ऑफ, इसके ऊपर स्पेसिफिकली कोई बड़ा सा चैप्टर क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। स्पेसिफाइड बोर्ड, सब्सिडी रिसीट फ्रॉम ट्री बोर्ड, सब्सिडी रिसीट फ्रॉम अदर बोर्ड, इनकम ऑफ माइनर, ये देखो माइनर बच्चे को कोई इनकम होती है, इनकम अप टू 1500 इज एग्जेम्प्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच माइनर चाइल्ड हुज इनकम इज क्लब्ड। तो क्लबिंग आपने चैप्टर पढ़ेंगे, एक नया चैप्टर अलग से चैप्टर है, जल्दी पढ़ना है तो आप प्लीज़ मेरे जो नीचे प्लेलिस्ट है उसमें से आप पढ़ सकते हैं चैप्टर को, क्लबिंग ऑफ इनकम। इनकम ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स, डिविडेंड इनकम, जो सब हमारे टैक्स फ्री होती है इनकम, लेकिन इसमें कंडीशंस होती हैं। ये मैं सोचते हैं कि आज पैसा लगाया परसों डिविडेंड मिल गया, टैक्स नहीं लगेगा, एक लिमिट होती है इसमें कुछ। इनकम ऑफ शेयर होल्डर्स ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स, कंपनी ने शेयर बायबैक कर लिया, आपको पैसा दिया, आपको इनकम हो गई, टैक्स फ्री, लेकिन दैट शुड बी लिस्टेड इन द रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज। इनकम फ्रॉम यूनिट्स, यूनिट होते हैं म्यूचुअल फंड्स के, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के म्यूचुअल फंड में जो यूनिट होती है आपकी, उस पर आपको इनकम हुई तो वो टैक्स फ्री होंगी, टैक्सेबल नहीं होगी। कैपिटल गेन ऑन एक्विजिशन, कौन से चैप्टर पढ़ेंगे इसके लिए हम, कैपिटल गेन, जल्दी पढ़ना है तो लिस्ट में चले जाओ और कैपिटल गेन के चैप्टर पढ़ लो। कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर अंडर लैंड पूलिंग स्कीम, कैपिटल गेन में पढ़ेंगे। स्पेसिफाइड इनकम अराइजिंग फ्रॉम इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स, आपने इवेंट पार्टिसिपेशन होना चाहिए कम से कम 2 से ज़्यादा कंट्रीज का, तो वो इंटरनेशनल इवेंट बनता है, ये नहीं कि मैं अकेले दौड़ूंगा जीत जाऊंगा, 2 से ज़्यादा कंट्रीज का आपको पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अगर उसके अंदर आपने जीत के कुछ पैसा कमाया है, आपको रिसेंटली पता होगा ना हमारी देश की बेटी ने हिमा दास ने जो सोन चिड़िया बन गई है, 16 दिन में 6 गोल्ड मेडल जीते उसने अभी, तो वो और 20 टोटल मेडल है उसके नाम पे, तो वो क्या कर रही है, वो ऐसे इवेंट से इनकम लेके आ रही है जो कि इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट था, तो उनको वो टैक्स फ्री हो जाएगा। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिवाइवल ऑफ पावर जनरेशन, इनकम ऑफ नॉन प्रॉफिट बॉडी, ये सब, रिवर्स मॉर्गेज, न्यू पेंशन ट्रस्ट, अलाउंस और परक्विजिट टू मेंबर ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी मालूम है ना, ये हमारे देश आप लोगों के लिए बड़ी काम की चीज़ है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो कुछ कर रहे हो, इसके एग्जाम देते रहा करो यार, हमने तो दिए नहीं, आप लोग देते रहा करो, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो अब तो बड़े फायदे हो गए, काम करना पड़ेगा, ये मैं सोचना काम नहीं करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है, इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल है, अगर आप क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हो तो उससे अगर इनकम होती है तो
आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है। स्टोरेज ऑफ क्रूड ऑयल, आपका काम ऐसे है कि आपका वेयर हाउस है, आप क्रूड ऑयल को स्टोर करते हो तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। कोई स्टॉक क्रूड ऑयल का बचा हुआ सब था सामान, उसको आपने बेच दिया, थोड़ा लेफ्ट ओवर था, तो उसके ऊपर भी आपको एग्जेम्पशन है। इक्विलेशन लिवाई, एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू एग्जेम्प्टेड इनकम, याद रखना दोस्तों, अगर कोई इनकम एग्जेम्प्टेड है उसके ऊपर कोई खर्चा करोगे तो ये नहीं कि वो खर्चा दिखा सकते हो अपने रिकॉर्ड में। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आप इनकम नहीं दिखाओगे तो एक्सपेंस भी नहीं दिखा सकते उससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये सब चीज़ उसको पढ़ लीजिएगा। न्यूली इस्टेब्लिश यूनिट इन SEZ, ये हमारे CA वाले बच्चे जरूर पढ़ना। न्यू प्लांट एंड मशीनरी टैक्स पॉइंट, ये मैं आपको थोड़ा सा इसको मैं आगे स्किप मार रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत लंबे समझने वाली चीज़ें हैं, इसको प्रैक्टिकल के थ्रू कर सकते हो। लेकिन अगर आप CA CS कर रहे हो तो दोस्तों इसको जरूर पढ़ना। क्वांटम और डिडक्शन कैसी होती हैं कि अगर आपने काम शुरू किया और पहले 5 साल आपको कितनी डिडक्शन मिलेगी इनकम में से, नेक्स्ट 5 ईयर्स में कितनी मिलेगी, अगले 5 साल के बाद कितनी मिलेगी, ठीक है। एक्सपोर्ट टर्नओवर का मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, बिना पढ़े बात नहीं बनेगी। इस चैप्टर को मत सोचना कि मैं बहुत इनडेप्थ क्यों नहीं पढ़ा रहा, मैं सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको एक बार आंखों से निकल जाए चीज़ें क्या क्या करनी है, किस किस के लिए काम की है, किस किस के लिए काम की नहीं है। कंसिक्वेंस ऑफ एमलगेमेशन और डीमर्जर, एमलगेमेशन हुआ, डीमर्जर हुआ कंपनी का, मर्ज हुआ, डीमर्जर हुआ, तो उसमें भी आपको जो इनकम होती है वो भी अंडर सम कंडीशंस आपको टैक्स फ्री होती है। कन्वर्जन ऑफ FTZ इनटू SEZ, फ्री ट्रेड जोन से स्पेशल इकोनॉमिक जोन से में आपका ट्रांसफर हो गया, ठीक है, जिस प्लेस पे आप काम करते थे, तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे ना, तो आपको जो बेनिफिट मिलेंगे वो आगे बढ़ जाएंगे, तो आपको उस पर्टिकुलर हिसाब से आपको वो कुछ टैक्स में छूट मिलनी शुरू हो जाएगी उन पर्टिकुलर ईयर्स के लिए, 10 साल तक मैक्सिमम होती है। नॉर्मली IT कंपनी सब SEZ में ट्रांसफर करती है अपने आप को। डबल डिडक्शन इज नॉट परमिसेबल, 2 बार डिडक्शन नहीं मिलेगी, 1 ही बार मिलेगी जब भी मिलेगी। तो दिस इज अबाउट इनकम विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम। तो आपको दोस्तों इस चैप्टर को प्लीज़ रिवाइज कीजिए, नीचे दिए हुए प्ले लिस्ट में जाके इस चैप्टर के बारे में जो पार्टली एग्जेम्पशन है अलग अलग चैप्टर्स को पढ़िए, और चैनल आपके साथ ही है, जितना कोशिश कर रहा हूँ पढ़ा सकता हूँ पढ़ा रहा हूँ। सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और इस चैनल को बढ़ाइए जितना बढ़ सकता है, और अगले चैप्टर का वेट कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।